उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष वन अग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर गई है और उसका यह रुख स्वाभाविक है। हर आपदा में सवाल जवाब करने वाली कांग्रेस को वन संपदा, वन्य जीव और आमजन के हितों के लिए रचनात्मक रुख अपनाकर विपक्ष के धर्म का अनुपालन करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना या बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी आपदा में भी वह आम जनता के साथ खड़ी नहीं दिखी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लेकर के सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिकी रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और चार धाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और चार धाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।